अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर, वहाँ पे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं उधर बच्चों के पास। अच्छा अम्मी, ये भी बता दें कि बच्चे बहुत उदास हुए हैं, इतने एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा जी, कि जल्दी आएं जल्दी आएं। आप सबको पता ही है ना, कर रहे हैं आप सबको पता है अम्मी का इलाज होना है, तो हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो ना वो ना अम्मी से सही तरह मतलब स्टेप नहीं लिया जाता ना, तो हसन आओ अम्मी को पकड़ो, वो फिर स्टेप की वजह से ना मतलब उनसे स्टेप नहीं लिया जाता, रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने, तो इंशाल्लाह जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर वो सही मतलब बगैर सहारे के चल लेंगे। अभी भी बगैर सहारे के चल लेती हैं, लेकिन वो ये थोड़ा सा मतलब है स्टेप वगैरह। मैं आती हूँ फिर आपके पास ना, चले उधर चल के मिलते हैं आपसे ना। ओके। अम्मी बाइक पे बैठ रही हैं वसीम के साथ, और हम लोग जो है ना, हम लोग इस रिक्शे में, मैं अब इसमें बैठूंगी बच्चों के साथ। बाय बाय। तो हम लोग ना सुरक्षा पे से निकल के अभी बाहर आए हैं, और अम्मी आई हैं वसीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ली? लगता है कपड़े धोए काफी सारे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हम तो रेडी थी, हम तो रेडी है। मोहम्मद मोहम्मद, अम्मी को देख के खुश हुआ? खुश हुआ अम्मी को देख के? अली फिर अम्मी से उदास हो गए थे, आपकी अम्मी हमने चुरा ली। कौन उदास था ज्यादा अम्मी से? काका ये उदास था। आप उदास हो ज्यादा अम्मी से? मोहम्मद अम्मी बुला रही हैं। आ जाओ वसीम, अंदर आ जाओ। क्यों खड़े हो भाई, फॉर्चून लेके आओ। ये तो आपसे बड़ा उदास था, ये तो ज्यादा वसीम को उदास। वसीम ये तो अम्मी कह रही थी मुझसे बड़ा उदास। हाँ इनके लिए कुछ लेके भी नहीं हम आए। अच्छा दे इनको, ये खुश होके खाते हैं बर्फी। अच्छा इस वक्त खुश बड़ा है, तो इसलिए अपनी खुशी का जो है ना, आमना सोई हुई है? आमना तो सो रही है। ये खाता है शौक से बर्फी, ये वाली। अच्छा आपको मिल रही है ना, आपको आपको मिल रही है? बड़े शौक से खाता है ये तो बर्फी। वसीम आप खाएंगे बर्फी? आप खाएंगे? खा लें, अच्छी होती है बर्फी। और हसन को भी दें, हसन भी शौक से खाता है। अच्छा अली आप भी खा लो। अम्मी आपको कैसा लगा अपने ही घर में आना? चेक कर। वो भी खा रही है, ये भी खा रही है। लेकिन आप ना माशाल्लाह आज बड़ी खुश खुश है, है ना? बच्चों से उदास। हाँ बच्चों से उदास है, और इससे तो अम्मी ज्यादा ही उदास थी इससे। और जिससे आप उदास है वो आपसे मिला ही नहीं है। अली ने अम्मी के लिए बनाया है मटन पुलाव, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, और टेस्टी भी होंगे इंशाल्लाह। अम्मी खा के देखती हैं अम्मी कैसे हैं बताएं। आप भी खा रहे हैं वसीम? तुम ये मेरे से कभी ले ले। मैंने मटन खाती नहीं, मुझे ले थोड़े से खा लो। ये आप खाएं, आप खाएं। रायता भी है साथ में ना मम्मा के देते। हसन इसका पांव साइड पे कर, इसका मोहम्मद को साइड पे करो। अम्मी के हाथ में देखो रायता सलाद है ना, साइड पे कर दो ना। देखें इसके काम, इसने आगे देखें क्या रखे हुए अपने ना। साथ में रायता है और सैलेड है प्याज का, और साथ अली ने बनाया मटन पुलाव। आप भी खा लो, आप भी खा रही हो। मम्मा ये सब पिया था? ये मैंने पिया था, मेरा जूठा नहीं पीती तुम? पी लो।
और ये आलू गोश्त है, ये बनाया है महक ने अम्मी के लिए, आलू है और साथ में इसमें मटन है। अल्लाह की कसम पेट भरा हुआ जी। अम्मी आपके पास आके रो रही थी है ना, मैं कहा जो आप भी खाना खा लो, थकी थकी हो ना, लगता है जैसे थकी हुई हो। हाँ लग रहा है जैसे थकी थकी हो, वह वो वीक नहीं हुई, स्मार्ट हुई हुई है, वेट लॉस की है, वेट लॉस की है। हाँ नींद नहीं पूरी, चलो अब हो जाएगी नींद पूरी। 8 बजे से उठे हुए थे, खाना रेडी कर। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको पकड़ लूं, ये खाना नहीं खाने देगी। आमना 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 खा रही है, आमना को पानी पानी चाहिए। मामा ये आपके चावल जी। तो हम लोग आ गए घर, नूर जारा मैं हसन सब हम घर आ गए, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अम्मी आपके चेहरे से लग रहा है आप काफी थक गई हैं ना, लग रहा है। हाँ लग रहा है। मैं आपको चाय बना दूं? चाय बना दो, मैं अभी आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, कड़क सी। मम्मी ने तो अभी तो चाय पी है। तुम अब फिर पी लेंगे तो। हसन देखिए कितना थक गया है, लेटा हुआ है। हाँ जी जी, आपके लिए भी। नूर जरा आपसे कुछ कहना चाह रही, नूर जरा क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रही हूँ कभी उनकी शीनी सही करो, उनका शीनी साफ करो। किसका? किटन का, किटन का। अच्छा अच्छा, वो लिटल कैरी साफ करो ना जरा। हाँ अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे चैनल को? अम्मी का लाइक कर दे, बोले शेयर करना, बेल दबाना ना भूलना, बेल भी दबाना ना भूलना, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो अब तो आपको नूर जारा ने भी कह दिया। अच्छा जी, इंशाल्लाह होगी आप लोगों से कल या नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मुलाकात बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।